नया दिन नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर, और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात बांग्लादेश में हो रहे बवाल की। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों पर हमला किया गया है, जिसमें अब तक 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये बवाल तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर कुरान के अपमान करने की अफवाह फैलाई गई और इसी से जुड़ा एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो गया। इसके बाद वहाँ मुस्लिम समुदाय के से जुड़े लोगों ने दुर्गा पंडालों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरे बांग्लादेश में भीड़ ने मंदिरों और पंडालों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान 3 लोगों की मौत है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर बवाल करते हुए और दुर्गा पूजा पंडालों पर हमला करते हुए नजर आए। एक तस्वीर में तो कुछ लोग मूर्तियों को नदी में फेंकते भी दिखाई दिए। और ये पहली बार नहीं है, हर साल दुर्गा पूजा के वक्त पंडालों, मूर्तियों, झांकियों पर हमला होता है। कोई ना कोई बहाना लेकर कट्टरपंथी बाहर सड़कों पर उतर आते हैं और हिंदुओं पर, त्राहिमाम हिंदुओं पर कहर बरपाना शुरू करते हैं और वहां त्राहिमाम की परिस्थिति हो जाती है। हर बार दुर्गा पूजा के वक्त कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है ताकि पूजा पद्धति में, पूजा के सेलिब्रेशंस में किसी तरह का विरोध किया जाए, किसी तरह से उसमें अड़चन डाली जाए। आशिका जुड़ रही हैं, ये तस्वीरें हैं और काफ़ी हिंदू संगठनों ने काफ़ी इस पर सवाल उठाए हैं, पूछा भी है कि प्रशासन क्या कर रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया, लेकिन पुलिस भी कई सारे वीडियोस में इस भीड़ को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। आशिका जुड़ रही हैं। आशिका, ये पहली बार नहीं, यहाँ आज महानवमी का दिन है और वहाँ दुर्गा पूजा के हर दिन कोई ना कोई बवाल खड़ा हुआ है। 11 अक्टूबर से लेकर हर रोज़ बांग्लादेश में अलग अलग जगहों पर पंडालों पर आक्रमण हुआ है, कोई ना कोई बहाना लेकर, और अब तो बात इतने पे उतर आई है कि उन्होंने मूर्तियों तक तोड़ डाली और फिर कुछ को नदी में भी फेंक दिया। देखिए, बिल्कुल, दुर्गा पूजा जब भी होती है कभी भी राजनीति से परे नहीं होती। इस बार भी कोलकाता की बात करें तो कई पूजा पंडाल ऐसे हैं जहां कोलकाता में राजनीति की झलक देखने को मिल रही है। और जहां तक बात अब ये हो रही है, तृणमूल कांग्रेस जो है वो खासतौर पर BSF को जो कार्य क्षेत्र है बढ़ाया गया है उसको लेकर के आपत्ति जता रही है। उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सिचुएशन है और बिना स्टेट से बात किए इतना बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए था। लेकिन आशिका, ये जो बांग्लादेश में हुआ है उसको संज्ञान में लेकर क्या ममता बनर्जी कुछ बोली है? बांग्लादेश में जिस तरह से दुर्गा पूजा पंडाल पर आक्रमण हुआ है, जिस तरह से वहां पर पूजा पद्धति में विघ्न डाले गए हैं, जिस तरह से वहां पर कट्टरपंथी उतरकर एक अफवाह के चलते, सोशल मीडिया के एक पोस्ट के चलते उन्होंने पंडाल को नुकसान पहुंचाया है, वहां के हिंदुओं को पूजा करने से और दुर्गा पूजा मनाने से रोका है और मंदिर तक को नहीं पहुँचने दिया है, लोगों ने अपनी मूर्तियों को और पूजा स्थल को बेसमेंट की तरफ बदलकर छुपकर पूजा किया है, पूजा मनाई है, सप्तमी, अष्टमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और आज नवमी के दिन भी बांग्लादेश में इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, क्या इस पर कोई भी प्रतिक्रिया आई है वहां? देखिए, बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी या फिर उनके कोई भी नेता, इसको लेकर के किसी की भी प्रतिक्रिया बाहर नहीं आई है। हालांकि बांग्लादेश की क्या बात करें, सरस्वती पूजा के दौरान मैं आपको याद दिला दूं, यहां से भी कई तस्वीरें सामने आई थी जहां मूर्तियों को तोड़ा गया था, पंडालों को तोड़ा गया था। तो कहीं ना कहीं वही ट्रेंड धीरे धीरे इस तरफ भी बढ़ रहा है, ये कहना भी बहुत ज़्यादा गलत नहीं होगा आनंद। हालांकि राज्य सरकार पूरी तरह से कमर कस चुकी है, BJP हमेशा ये आरोप लगाती है कि दुर्गा पूजा तक नहीं किया जाने देता है, लेकिन दुर्गा पूजा
हमेशा बड़े पैमाने पर होती है पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी का ये दावा रहता है कि राज्य सरकार हर मदद देती है, 50,000 सभी जो क्लब्स हैं आयोजक उनको दिया जाता है। बहरहाल फिलहाल मैं अगर आपको अंदर ले जा कर के दुर्गा पूजा की तस्वीरें दिखाऊं और साथ ही कुछ लोग जो हो उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगी कि यहाँ तो दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो दुर्गा पूजा नहीं मना पा रहे हैं। मैं यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। आप अगर एक बार यहाँ पर आए, मैं एक सवाल है मेरा, देखिए बांग्लादेश में भी दुर्गा पूजा हो रही है लेकिन वहाँ पर पूजा नहीं किया जाने दे रहे हैं लोग, वहाँ पर पंडाल तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? हालांकि आप यहाँ पर पूजा कर रही हैं पर बांग्लादेश में ये तस्वीर अलग है। आई डोंट थिंक आई शुड कमेंट ऑन दिस एट दिस मोमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रिवाज है हम लोग वो उस हिसाब से पालन कर रहे हैं। वी आर जस्ट डूइंग आर बेस्ट द वे वी शुड ट्रेडिशनली डू आर पूजा द वे वी डू इट। बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसके बारे में हमको कमेंट करना यही मोमेंट पे सही नहीं होगा। पर वहाँ पर वो लोग स्थानीय नहीं कहना चाहते कोलकाता में कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, लेकिन कई सारे हिंदू बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इस वक्त वो हैं जिनका जिन्होंने पिछले तो 1971 के बाद वहाँ से बांग्लादेश से पलायन कर यहाँ भारत में शरण ली थी। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जिस तरह का कृत्य हो रहा है, विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ हैं। विनोद बंसल जी, ये जो कृत्य हुआ है सोशल मीडिया पर, पोस्ट का एक पोस्ट वायरल हुआ था जो कि झूठा पोस्ट था, और उसके बाद से जिस तरह से कट्टरपंथी सड़कों पर उतर कर आए हैं और पूजा पंडाल में जाकर विघ्न किया है, उनको तोड़ा है, मूर्तियों को ये किया है, डिफेस किया है, इस तरह का कृत्य जो वहां पर हो रहा है, 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आनंद जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और आप देखिए, जो आप फेसबुक पोस्ट की या जो सोशल मीडिया की पोस्ट की बात कर रहे हैं, ये तो एक बहाना है, वास्तव में तो हिंदू ही उनके निशाना है। और आप देखिए कि ये कोई पहली घटना नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, शेख पर अतिक्रमण, आक्रमण और मंदिरों को जलाने का काम, मंदिरों को ध्वस्त करने का काम, उनकी पवित्रता को भंग करने का काम लगातार ये इस्लामिक जिहादी कर रहे हैं। और ये जो है बांग्लादेश के अंदर जो घटना घटी है वो खासकर दुर्गा पूजा के दौरान इस बात को भी प्रूव करती है कि देखिए जब 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 व्यक्ति का धर्मांतरण होता है तो राष्ट्रांतरण की तरफ बढ़ता है। तो ये जो बंगाल है या बांग्लादेश है, ये आखिरकार बंगाल की वो पवित्र भूमि है जो जहाँ पर माँ को पूजा जाता है, माँ दुर्गा की भूमि है। और इस दुर्गा नवदुर्गा के दौरान इस तरह का कुकृत करना कि मंदिर में कुरान रख देना, मंदिर की मूर्तियों को खंडित कर देना, मंदिर में जो है वो अनेक अपवित्र कार्य करना, मंदिर को जलाना, उनको हमले करना, ये लगता है कि वहां की बांग्लादेश की सरकार और साथ ही साथ मैं तो कहूंगा कि भारत सरकार को भी इस बांग्लादेश सरकार के साथ में कड़ाई के साथ मामले को उठाना चाहिए और हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदू मानवियों की धर्मस्थलों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दोनों की है। विनोद बंसल जी, विश्व हिंदू परिषद क्या वहां पर बांग्लादेश में जो हिंदू काउंसिल है जिसने इस बात को सोशल मीडिया पर भी उठाया है, यूनाइटेड हिंदू काउंसिल, क्या उससे संपर्क में है? क्या अब वहां पर स्थिति पर नियंत्रण पाया गया है? क्योंकि हर बार ये होता है, हर साल होता है, पिछले 2 दशक में हम देख रहे हैं हर बार ये होता है और किसी पर कोई चार्ज नहीं लगता, कोई गिरफ्तारी नहीं होती, ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। दूसरी बात, वहां एक शंखनिधि मंदिर है जहां पर हर साल ये पूजा की कोशिश करते हैं और फिर उसको किसी ना किसी तरह से विफल किया जाता है। आनंद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए विश्वनिधि, वहां पर भी जो है ना अपने हमारा यूनिट है, वहां पर हमने बहुत कड़ा विरोध किया है। और अभी अभी मेरी अभी महामंत्री जी से बात हो रही थी, मैंने मिलिंद परांडे जी अभी तुरंत थोड़ी देर के स्टेटमेंट जारी करने वाले हैं। और आखिर कि ये जो है हमने भारत सरकार से मांग की है कि इस मांग कड़ाई के साथ में बांग्लादेश सरकार के साथ गंभीर है, गंभीर है नारायण जी, कि देखिए इंटरनेशनल एजेंसी कहाँ से जाती है, वो मानवाधिकार संगठन किस बिल में घुस जाते हैं, भारत के जो सेकुलर ब्रिगेड है उनके मुंह में दही क्यों जम जाता है, आखिर इस्लामिक जिहादियों के ऊपर बोलने के उनके होठ कि ये आप तो जो जिहादियों के पैरोकार हैं वो उनको एक बहुत मर्तन नहीं है तो क्या है ये? आखिरकार हमारे ये इतने पवित्र माँ दुर्गा की नवरात्रों में माँ दुर्गा का ही अपमान और वही भारत की भूमि पर होता रहे,
तो ये तो ठीक नहीं है ना जी। ठीक है, आज बांग्लादेश बन गया तो क्या हुआ? आखिरकार संस्कृति और संस्कार थोड़ी मर जाएंगे, वो कौन मार रहा है? आखिरकार ये जो जिहादी हैं, उन जिहादियों के विरुद्ध बोलने के लिए इनका साहस क्यों नहीं होता? एक ट्वीट आखिरकार क्यों नहीं राजीव गांधी अपने राहुल गांधी और प्रियंका के नहीं हुए? ये समझना पड़ेगा। और अगर ऐसा कोई घटना कहीं और होती तो आप सोचिए कि इसका रिवर्स होता तो क्या होता। लेकिन याद रखना चाहिए इनको, हिंदू समाज यहाँ पर भी है, उसको पर हमले हुए तो विष्णु प्रसाद सहित संपूर्ण हिंदू समाज के साथ खड़ा होगा जी। तो संकल्प है पर विनोद जी, एक बात यह है कि 13 तारीख से ये कृत्य चल रहा है, 13 तारीख 11 तारीख को भी कुछ वहां पर खलल हुआ, 12 तारीख को भी हुआ, 13 तारीख 14 तारीख हर रोज जो है कुछ ना कुछ कहा जाता है। यहां तक कि वहां का जो बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल है वो कहता है कि इससे काला दिवस कोई हो ही नहीं सकता जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया गया है। और भीड़ देखिए कितनी आई है, तो क्या इतने कट्टरपंथी विचार वहां पर हो चुके हैं कि हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम इन्होंने किसी भी बहाने से कुछ ना कुछ कर, क्योंकि पिछले साल भी हुआ था, हर साल ये होता है, और फिर सरकार एक एडवाइजरी करती है और कहती है नहीं सब ठीक है, वहां के हिंदू परेशान नहीं है, वहां के हिंदू त्रस्त नहीं है। देखिए कि ये जो सरकार की जो लीपापोती वाली नीति है, इसी के कारण जिहादियों को बल मिलता है। आप देखिए कि ये बांग्लादेश में जिस तरह से रोहिंग्याओं को बसाया गया और जिस तरह से बांग्लादेश में जो जिहादी गतिविधियां बड़े पैमाने पर ये जो षड्यंत्र उनके चलते रहते हैं, उन पर अंकुश लगाने का काम सरकार को करना ही पड़ेगा, इंटरनेशनल को भी खड़ा होना पड़ेगा। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पास हो रहा है, व्हाई डोंट दे क्राई फॉर दी हिंदूज इन बांग्लादेश? Our temples are being desecrated, these idols are being demolished, and they are all got silent. Why? देखिए, are they not human? और ये अगर जहां पर किसी एक जगह पर जिस जगह पर अफवाह फैलाई गई वहां पर कुछ बवाल होता तो बात समझ में आती, इन्होंने चुन चुन कर हर जगह किया है और हर डिस्ट्रिक्ट में ये फैला है, और इन्होंने घुस कर मंदिरों को वहां पर पंडाल को ही खराब नहीं किया, वहां बवाल नहीं किया, मूर्तियों को भी उनके चेहरे बिगाड़ दिए, गाला तोड़ दिया, ये तोड़फोड़ मचाई है। तो इस तरह का कृत्य अगर होता है तो फिर इसको संज्ञान में लेने की जरूरत है। क्या आप चाहेंगे कि इसको ऑफिशियली इसको रेज किया जाए? बिल्कुल आनंद जी, हम रेज कर रहे हैं, डेफिनेटली करेंगे। ये भी करके आखिरकार जो एजेंसी है वो ये जब से आप देखिए कि जब से ये जो अफगानिस्तान में जिहादियों का शासन शुरू हुआ है, जिस तरह से तालिबान का वर्चस्व बढ़ा है, तब से लेकर के इस्लामिक जिहादी फोर्सेज पूरे विश्व समुदाय के अंदर जो है ना, खासकर पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर बड़े पैमाने पर सक्रिय हुई है। तो इन पर कहीं ना कहीं विश्व समुदाय को सोचना पड़ेगा कि ये जो इन पर अंकुश कैसे लगा जाए। जो है सहिष्णु है लेकिन भीरू नहीं है, खड़ा हो गया तो वो जवाब देना जानता है। इस बात को बांग्लादेश भी अच्छी तरह समझता होगा और ये भारत और पाकिस्तान के लोग भी समझते हैं, लेकिन उनके पेशेंस की परीक्षा ली जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं, खासकर हिंदू, जैन, इनके जो राइट्स हैं, इसके बारे में कहीं ना कहीं और ज्यादा मंथन की जरूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है ये चित्र देख रहा हूँ। पिछले साल भी यही हुआ था, उस वक्त बहाना कुछ और था, और फिर वही किया गया कि दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा की मूर्तियों को तोड़ा गया, और इस तरह के चित्र आते हैं तो क्या हिंदू आहत नहीं होगा? क्या हिंदुओं की भावना का कोई मोल नहीं? ये सवाल तो मन में उठता ही है विनोद जी। और ये जो घटना बांग्लादेश में घट रही है, ऐसे तत्व अब बंगाल में भी दिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, हिंदुओं की दायरे की पकड़ ली जा रही है, क्या यही चाहते हैं कि 1947 में जब पाकिस्तान से हिंदुओं की लाशें काट काट के यहाँ भेजी गई थी, वो तब तक नहीं रुकी थी जब तक कि भर के यहाँ से नहीं गई थी? मैं नहीं चाहता कि इस बात को कहूँ, लेकिन मजबूरी है बात को कहने की कि आखिरकार क्या ये चाहते हैं कुछ हिंदू रिटेलिएट करें?
ये हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन मजबूर मत करो भाई, मजबूर मत करो, मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं इसको सही प्लेटफॉर्म पर रेस करने की जरूरत है। हिंसा का जवाब, हिंसा हर बार नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं मिलकर जुट होकर एक खड़े होकर इस बात को कहने की आवश्यकता है कि देखिए अगर आप अपने राइट्स की कदर करते हैं तो हमारे राइट्स की भी कदर कीजिए, और जहां पर अगर आप माइनॉरिटीज की बात करते हैं तो जहां पर मुस्लिम प्रधान देश हैं आसपास, भारत के आसपास, वहां पर माइनॉरिटीज के साथ क्या किया जा रहा है वो देखने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में भी हाल में हमने देखा कि माइनॉरिटीज को जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश हुई। नलिन कोहली बीजेपी से हमारे साथ हैं। नलिन कोहली जी नमस्ते। महानवमी नवमी के उपलक्ष पर आज ये दिन है जहां पूरे देश में त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित है। जी ऐसे जो रिपोर्ट्स आए हैं, स्वाभाविक है कि दुख होता है, क्योंकि विश्व में हम सबको और भारत में तो खास तौर से हम सब धर्मों को एक समान रूप से, हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म के आधार पे अपनी पूजा पद्धति जो भी है वो करे, और हमारे देश में पूर्ण रूप से चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, बौद्ध, ईसाई, पासी, जू, सब अपना धर्म आराम से अपनी पद्धतियों के हिसाब से उसका पालन करते हैं, उसमें अपने फेस्टिविटीज को इंजॉय करते हैं। ये जो सूचना आ रही है बांग्लादेश से जहां पर एक टारगेट हुआ है दुर्गा पूजा महा इस पवित्र समय पर, और देखिए बंगाल पहले एक था 1947 से पहले जी। ये पद्धति और ये मान्यता जो है पूरे बंगाल में है, जो ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बना ईस्ट बंगाल, वहां पर भी तो लोग हैं, माइनॉरिटी है, वो हिंदू समाज के काफी संख्या में है, तो ये दायित्व जो है वहां की सरकार पे पड़ती है। और एक इसमें एक विश्व में चिंता की बात उठ रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म इस्लाम का धर्म का दुरुपयोग करके दूसरे धर्मों पे और अपने धर्म के लोगों पे भी वार करते हैं, उनके वहां हिंसा करते हैं, तो इसकी चिंता जो है मुसलमान देशों पे भी है, जो लोग अपने धर्म का अच्छे से पालन करते हैं, जो मुसलमान भाई बहन है उन पर भी है कि उनके ही धर्म के पालन करके उसका मिसयूज करके जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं उन पर रोक लगाएं और देखें कि हर पद्धति के लोग जो है सुरक्षित रहे, क्योंकि वो लोग पहले इंसान है, फिर बांग्लादेशी नागरिक है, उनकी भी वो सरकार है, और वहां पर वहां उनको चिंता हो तो मैं मानता हूं कि वहां की सरकार जो एक अच्छी सरकार है और भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे संबंध है, मुझे लगता है कि जरूर वो इन बातों पर गौर करके जो भी देखिए सरकार बांग्लादेश सरकार की तरफ से नलिन कोहली जी सिर्फ एक एडवाइजरी आई है। कंसर्न की बात यह है कि जिस चिंता की बात यह है कि देखिए भीड़ कैसी आई है और जिस वायलेंस के साथ इन्होंने जो कृत्य किया है, मूर्तियों को डिफेस करने का काम किया है, सीता मैया की मूर्ति है उसके साथ बेअदबी की है, वहाँ पर आप देखिए दुर्गा मैया की मूर्ति है उसकी उस प्रतिमा के साथ बेअदबी की है, हर जगह हर पंडाल में, और ये ढाका में हो रहा है, कहीं पुलिस का नामो निशान नहीं किसी भी विजुअल में। बिल्कुल, इसलिए मैं मानता हूं कि वहां की सरकार का दायित्व है और हम आशा भी करेंगे कि वहां की सरकार जो है जो भी उचित कदम उसे उठाना चाहिए उठाने चाहिए, क्योंकि ये ना केवल एक धर्म की बात है, ये साथ ही साथ बांग्लादेशी नागरिकों के अधिकारों की बात है, क्योंकि वहां की संविधान में भी उनको अधिकार मिले हुए हैं। क्या ऐसा थोड़ी ना है, क्या सरकार, क्या भारत सरकार इसको संज्ञान में लेगी नलिन जी, और क्या इसको उठाया जाएगा बांग्लादेश के साथ, क्योंकि हिंदू हित की बात जो है, अगर अगर सीएए लाया गया तो वो हिंदू हित के लिए लाया गया, सीएए लाया गया तो फिर आसपास के देशों में जो बंटवारे की वजह से जो वहां पर माइनॉरिटीज प्रताड़ित हैं उनके लिए लाया गया, कहीं ना कहीं दायित्व जो है हिंदू संरक्षण का वो भारत पर आता है, भारत की सरकार पर भी आता है। आपने अच्छा प्रश्न पूछा आनंद, जो अब जाकर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था सीएए जो बिल बना बाद में, अब उससे बड़ा स्पष्ट हो जाता है ये ना केवल एक दायित्व है जो 1947 में विभाजन के कारण जो भारत लोग नहीं आ पाए और जो वहां अब माइनॉरिटीज हो गए, पाकिस्तान में देखिए माइनॉरिटी 10% से कहां अब तक आ गए और आज भी उनकी क्या दुर्दशा है। अब ये जो आगे सारे बातें आते हैं उनसे ये लगता है कि वो व्यक्ति यदि भारत आना चाहे तो अपने अधिकार कर सकते हैं इस कानून के, और जो लोग इसका राजनीतिक रूप से विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई आपने इसमें मुसलमानों को क्यों नहीं इंक्लूड किया, वो उस बात को भूल रहे हैं कि उस समय जो विभाजन धर्म के आधार पे हुआ तो मुसलमानों के लिए देश अलग से बन गया था,
और भारत में वही मुसलमान रहे जो वहाँ पाकिस्तान में इस्लाम के आधार पे देश में नहीं जाना चाहते थे। पर कहीं ना कहीं कानून बनाने के साथ साथ हिंदू हित की बात अगर भारत सरकार जोर से नहीं करेगी और पुरजोर इसकी मजम्मत नहीं करेगी इस घटना की, तो फिर कहीं ना कहीं ये सवाल भी पूछा जाएगा कि आप चुप क्यों रहे। नलिन कोहली जी, विनोद बंसल जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। अब इस घटना को लेकर बांग्लादेश के एक हिंदू संगठन की तरफ से भी ट्वीट आया है जिसमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से अपील की गई है कि अगर बांग्लादेश के मुसलमान नहीं चाहेंगे तो हिंदू पूजा नहीं करेंगे, लेकिन हिंदुओं को तो बचा लीजिए, हमले अभी भी जारी हैं, कृपया सेना भेजिए, हम पूजा मंडपों में बांग्लादेश की सेना के जवानों की तैनाती चाहते हैं, ये गुहार भी लगाई गई है। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। कहने पर उन्होंने भर्ती पिटीशन फाइल की थी,